वेलकम टू सोमो YouTV। सोमो YouTV में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आया हो, जो है आप लोगों ने बहुत बार जरूर देखा होगा, कभी कभी कोई आदमी या फिर जानवर रेलवे ट्रैक पे अटक जाते हैं या फिर अचानक आ जाते हैं, उसके बाद भी एक लोको पायलट देख के भी वो ट्रेन को रोकते नहीं है और चले जाते हैं उसके ऊपर से। क्यों ऐसा होता है? इंडिया में जब एक सुपरफास्ट ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलता है तब उसका स्पीड रहता है करीब करीब 100 के आसपास, और एक 100 के आसपास का ट्रेन जब एक 20 से 24 कोच के साथ जा रहा है और अचानक कोई आ जाए तो इंडियन रेलवे के अनुसार जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके जो इमरजेंसी ब्रेक लगा सकते हैं वो है 850 मीटर। एक लोको पायलट के लिए 850 मीटर अपनी आंखों से देखना करीब करीब नामुमकिन है। एक कोई भी आदमी एक 850 मीटर नहीं देख सकता, तो इसलिए जब कोई आदमी या फिर जानवर आ जाता है तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा कम रहता है कि लोको पायलट चाहे भी कुछ भी नहीं कर सकता, और इमरजेंसी ब्रेक लगा भी दिया तो ट्रेन का डिरेलमेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। एक आदमी या फिर एक जानवर को बचाने के लिए 1000 या फिर 2000 लोगों का जान जोखिम में लाना तो कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो इसलिए वो लोग नहीं लगाते हैं। और गुड्स कैरेज का भी बात करें तो गुड्स कैरेज का स्पीड तो स्लो होता है पर गुड्स कैरेज बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, इसलिए उन लोगों को भी एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। इमरजेंसी ब्रेक के लिए मिनिमम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रखना पड़ता है, और 850 मीटर ही कोई नहीं देख सकता तो 1 किलोमीटर तो दूर की बात है। ट्रैक पूरा सीधा भी होगा तब भी 850 मीटर देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर हमारे इंडियन रेलवे तो बहुत सारे जगह ऐसा है जहाँ पे ट्रैक बहुत ही ज़्यादा कर्व है, वहाँ पे तो देखना करीब करीब नामुमकिन है, तो इसलिए वो लोग ट्राई भी नहीं करते। ट्राई सिर्फ और सिर्फ तभी करते हैं कभी कोई भी चांस रहता है एटलीस्ट 550 मीटर या फिर 650 मीटर या फिर 750 मीटर के गैप रह जाता है तो वो लोग लिमिट में ब्रेक लगाते हैं, जितना तक लिमिट में ब्रेक लगाने से ट्रेन का डीरेलमेंट ना हो, और वो लोग पूरा ट्राई करते हैं कि वो लोग या फिर वो जानवर बच जाए। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात, आपका सेफ्टी आपके पास है, आप सेफ रहेंगे तो दुर्घटना से बच सकते हैं। जितना भी रेल गेट है या फिर लेवल क्रॉसिंग भी बोल सकते हैं, वहाँ पे जब गेट बंद होगा तो आप क्रॉस मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो गेट बंद हो जाने के बाद भी वो लोग क्रॉस करते हैं, और जहाँ जहाँ पे गेट नहीं है जो अननेम्ड क्रॉसिंग है वहाँ पे दो तरफ देखिए ट्रेन आ रहा है या फिर हॉर्न सुनिए ट्रेन आ रहा है, उसके बाद ही क्रॉस कीजिए। सिर्फ लेवल क्रॉसिंग पे नहीं, बाहर में सब जगह पे कॉन्शियस रहिए और बहुत ज़्यादा सेफ रहने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। आंसर अच्छी तरीके से मिल गया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सोमो जी सांतरा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी एट द नेक्स्ट वीडियो।